हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, हम अपनी स्टडी को करते हैं कंटिन्यू और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। बीएड का कह लो या फिर बीएससी बीएड बीए बीएड, ठीक है, तो जो भी आपके टीचिंग कोर्सेज हैं, अगर आपके कोर्स में ये टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल बीएड बीएससी और बीए बीएड, ठीक है, बीएड सेमेस्टर टू, इसके कोर्स में ये वाला टॉपिक है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं सिलेबस में आप देखिए, इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, ओके, लाइक कंसेप्ट, ठीक है, देन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारे जो टॉपिक्स है हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वो नजर आ रहे होंगे इसके आइकन्स, तो इन वीडियोस का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है द वेन हील लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। देखिये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक खुद में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म करता है, ठीक है, इसको और किसी क्वेश्चन के साथ में हेल्प की जरूरत नहीं है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन कह लो या फिर अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ ये टॉपिक कवर कर देता है, द वेन हेल लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका मिस ना करे, कंसेप्ट मिस ना करे, ठीक है, जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूं वो आप मिस ना करें, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट इसका समझ में आ गया तो मेरा मोटिव होता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और आपके माइंड में जो कंसेप्ट फिट है वही आप एग्जाम में अपना कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। क्लियर? सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट ऑन विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सबसे पहले से सब्सक्राइब और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने फोन पर ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, देखिए, द वेन हिल लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग ये एक थ्योरी है, किसके रिलेटेड? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। देखिए, मैथमेटिक्स एक हेडिंग है, इसके अंदर एलजेब्रा होता है, एलजेब्रा, कैलकुलस, ठीक है, ज्योमेट्री, और कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री को पढ़ने में बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, उन प्रॉब्लम्स को दो पर्सन्स ने रिकॉग्नाइज किया इन द ईयर 1957, ठीक है। देखा उन्होंने कि ज्योमेट्री पढ़ते हुए, ज्योमेट्री को समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो जो दो मैथमेटिशियन थे, दो टीचर्स थे, उन्होंने ये थ्योरी को ओरिजिनेट किया है, डिस्कवर किया है इन द ईयर 1951, और उनका नाम है, वैसे मैं इनको प्यार ही बोलती हूँ, ठीक है, आप कैसे मर्जी बोल लीजिए, लेकिन इस ऐसे बोल के ना आपको ये नेम याद रह जाएगा एटलीस्ट, ठीक है, पियर वेन हिल एंड डीना वेन हिल, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को जो है डिस्कवर किया है और इसके बेसिस पर ही सारे जो है इसके लेवल्स जनरेट किए हैं, ठीक है, स्किल्स कौन कौन से बच्चों को आने चाहिए, उनके डेवलप हो ताकि वो ज्योमेट्री अच्छे से कर पाए, वही क्या है इस थ्योरी के अंदर कंप्लीट। क्लियर? सबसे पहले देखिए, हम लेवल्स पे बाद में आएंगे, सबसे पहले स्किल्स वो क्या जनरेट करना चाहते हैं बच्चों में। अगर बच्चे ज्योमेट्री सीखे तो सबसे पहले उनमें क्या स्किल्स होने चाहिए? फर्स्ट इज विजुअल स्किल, विजुअल स्किल्स, यानी कि देखकर वो ज्योमेट्री में जो भी शेप्स होती हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, क्लियर, तो उन चीजों को वो समझ पाए देखकर। सेकंड स्किल क्या जनरेट करना चाहते हैं? वो वर्बल स्किल्स, वर्बल स्किल्स, जो भी शेप आपके सामने दी गई है या तो टीचर उसको डिस्क्राइब कर रहा है वो आप समझ पाए, या फिर स्टूडेंट्स खुद उसको क्या है डिस्क्राइब कर पाए कि ये शेप किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया तो स्टूडेंट्स बता पाए कि ये एक फिगर है जिसमें 4 साइड्स हैं एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इट मीन्स क्या है कि ये शेप किसकी है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर की है, क्लियर। देन द थर्ड स्किल इज ऑफ अ ड्रॉइंग स्किल, ड्रॉइंग स्किल। अब देखिए, वर्बल टीचर ने उनको बताया तो उनको समझ में आ गया, अब वो खुद से उस फिगर को ड्रॉ कर पाए तो ही तो ड्रॉइंग स्किल आएगा ना। ज्योमेट्री में मेन क्या होता है? आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, फिगर की प्रॉपर्टीज को समझना चाहिए, क्लियर। देन इज लॉजिकल स्किल्स,
लॉजिकल स्किल्स नंबर 4 एंड फाइनली इज अप्लाइड स्किल्स। ये 5 स्किल्स हैं जो वेन हिल लेवल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग में बच्चों के डेवलप होंगे। क्लियर। नाउ वी विल सी द वेरियस लेवल्स। इसमें देखिए बेसिकली 5 लेवल्स। अब मैं आपको बता देती हूं कि पेपर में आपको इसने इसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। लाइक लेवल्स ऑफ वेन हिल, ये आप कंप्लीट लिख देना वहां पर, ठीक है। देन इसको आप डालेंगे एक बॉक्स में। इसके बाद आप इस तरह से इसकी करेंगे पार्टीशन। 5 स्किल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हो सकता है मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम हो, लेकिन आपकी आंसर शीट काफी ब्रॉड होती है ना, तो वहां पे ये 5 के 5 स्किल्स आपके अच्छे से लेबल हो जाएंगे। या तो इस तरह से आप इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, या फिर सेकेंड वे जो मैं अभी फॉलो कर रही हूं वो भी आप कर सकते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। दोनों क्या है, डायग्रामेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस लेवल्स। अब देखिए लेवल्स को आपने एक्सप्लेन तो करना ही है नेचुरली। अगर आप सीधा ही पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले ज्यादा। वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी हर वीडियो में आपने ये लाइन सुनी होगी कि पेपर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, अच्छे से आप प्रेजेंट करना, क्योंकि हमने मार्क्स ही तो लेने हैं। कोई ऐसे थोड़ी कि इम्प्रेस करना है एग्जामिनी को कि हमने बहुत अच्छा पेपर किया। हमारा मोटिव क्या है कि अगर हम पढ़ के जाते हैं चाहे नहीं पढ़ के जाते हैं, हमें मार्क्स तो मिल जाए। मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह की होगी। क्लियर। सो सबसे पहले इसको स्किल 0 कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट स्किल को 0, सॉरी लेवल को 0 लेवल। 0 लेवल इज फॉर विजुअल लेवल, या फिर इसको हम कहते हैं रेकोग्निशन लेवल, जहां पे विजुअल पे मेन फोकस किया जाता है कि उस चीज को, उस डायग्राम को समझने की, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाए कि ये जो डायग्राम आपके सामने पड़ी है ये किस चीज की है। उसके बाद आता है लेवल 1, ठीक है। 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया है, देन इज लेवल 1, इसको बोलेंगे हम डिस्क्रिप्टिव लेवल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एनालिटिक या एनालिसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। लेवल 1 इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक, की थोड़ी सी हम उसकी डिस्क्रिप्शन देनी जो है स्टार्ट करते हैं, टीचर्स हिंट्स देने स्टार्ट करते हैं कि चलिए एग्जांपल हम बाद में देखेंगे जब हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। देन लेवल 2 इज रिलेशनल लेवल और एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ठीक है। देखिए दो दो नेम्स है आपको यहाँ पे, दोनों ही आपको लर्न करने हैं, दोनों ही लिख के आने हैं। क्लियर है ये चीज। देन लेवल 3 इज डिडक्टिव लेवल, और इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मल डिडक्शन। क्या कह सकते हैं, डिडक्टिव लेवल और फॉर्मल डिडक्शन। देन फाइनली जो 4th लेवल है वो है रिगर, ठीक है। जो हमने स्किल्स देखे थे ना, रिगर में क्या होता है, अप्लाइड स्किल्स। वो स्किल्स किसके बेसिस पर थे, इन्हीं लेवल्स के बेसिस पर थे। सबसे पहले हमने कौन सा स्किल देखा था, विजुअल स्किल। तो विजुअल स्किल किसके अकॉर्डिंग था, कि बच्चों को विजुअली डायग्राम्स को, जो भी शेप आपको दी गई है उसको आप विजुअली उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। देन इज द डिस्क्रिप्टिव स्किल, यानी कि वर्बल जो आपको बताया जाता है बोलकर, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप शेप को रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है, वर्बली जो आपको डिस्क्रिप्शन दी जाती है। देन इज रिलेशनल और एब्स्ट्रैक्ट लेवल, तो इसमें क्या थे आपके, ड्रॉइंग स्किल, ठीक है, कि आप उसको ड्रॉ कर पाओ, जो भी बातें आपको बताई गई हैं उसके बेसिस पर आप अपनी शेप खुद से ड्रॉ कर पाए। क्लियर। देन लेवल 3 ये कौन से बेसिस पर है, लॉजिकल स्किल्स। क्लियर। एंड देन फाइनली रिगर लेवल
किस पे आता है, अप्लाइड स्किल्स, कि जो चीजें आपको सारी बताई गई हैं उसको अप्लाई कीजिए और चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है वो आप ड्रॉ कर पाए। क्लियर, ये चीजें क्लियर है। अब हम इन लेवल्स को जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए और आप खुद से अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी लिख सकते हैं। थोड़ी सी तो देखिए, हमें जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिकल लैंग्वेज या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने आंसर में यूज करने पड़ते हैं, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल फ्रीली ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर। अगर देखिए बच्चों आपका पंजाबी मीडियम भी है तो आई एम सॉरी कि मैं आपको पंजाबी में नोट्स तो अवेलेबल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो कंसेप्ट है एटलीस्ट वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपके पास पंजाबी में मटेरियल है तो ये सारी चीजें जो मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ आप पंजाबी में इसको कन्वर्ट करके लिख दीजिए। क्लियर। सो देखिए, द वेरी फर्स्ट लेवल इज लेवल जीरो एंड दिस इज विजुअल लेवल, विजुअल लेवल या फिर रिकॉग्निशन लेवल। इसमें क्या होता है, विजुअल स्किल्स जो डेवलप किए जाते हैं बच्चों के। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगी। ठीक है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। तो देखिए, शेप्स को किस तरह से जज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक तो ये शेप बना दी स्क्वायर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लिया इसको, यस स्क्वायर एक बना दिया हमने, रेक्टेंगल। ठीक है, तो बच्चे इस शेप को देखकर बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर है, अगर हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें। ठीक है, 45 डिग्रीज अगर मैं इसको शेप को टिल्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा। फिर बच्चे बोलेंगे कि ये तो कोई और फिगर है और ये कोई और फिगर है, ये एक डायमंड की तरह लग रही है इसकी शेप। ठीक है, तो रेक्टेंगल की शेप को बच्चे किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये तो हमारा टीवी लग रहा है, टीवी के शेप जैसा है, या फिर ये हमारे फोन के जैसा है। ठीक है, हमारे स्मार्टफोन की जैसी इसकी शेप है, या फिर अगर हम इसको इस तरह से बना दें तो बच्चे बोलेंगे है तो ये भी रेक्टेंगल, देखिए तो बच्चे क्या बोलेंगे, ये तो हमारे डोर की शेप का है। ठीक है, तो बेसिकली वो शेप को आइडेंटिफाई उसके नाम से नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं जो उन्होंने रियल लाइफ में देखे हुए हैं। क्लियर, उसके थ्रू कैटेगराइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उनको सर्कल बना के दे देंगे तो बोलेंगे ये तो मेरे मम्मा की बैंगल जैसा है। बैंगल की शेप क्या है, सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, तो अगर हम उसको स्फेयर बनाकर दे दें, स्फेरिकल शेप में, तो वो बोलेंगे ये एक बॉल की तरह है। क्लियर, समझ में आ रही है आपको चीजें। वो इन शेप्स को रियल लाइफ जो आपके ऑब्जेक्ट्स वो देखते हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं उनके। देखिए, जैसे ये स्क्वायर है और एक हमने बना दिया बड़ा स्क्वायर, तो वो बोलेंगे ये दोनों सेम लग रही है, इनको बोलेंगे कि ये सेम लग रही है। क्यों सेम लग रही है, क्योंकि इनकी एक्चुअल जो शेप है वो तो सेम है ना, साइज में वेरिएशन है। क्लियर, ऐसे तो नहीं है कि ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं है, इट इज अ स्क्वायर, लेकिन इनका सिर्फ साइज में वेरिएशन है। क्लियर है ये चीजें। तो ये देखिए, ये है आपके विजुअल्स के लिए, आप इसको क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट और बताती हूँ, इसको आप बोल सकते हैं नॉन वर्बल, नॉन वर्बल थिंकिंग होती है इसमें। क्या होती है, नॉन वर्बल थिंकिंग, क्योंकि बच्चों को भी डिस्क्राइब नहीं किया जाता। इसमें बच्चों से पूछा जाता है कि आपके सामने ये शेप पड़ी है, आप बताओ इसके बारे में, टीचर्स खुद नहीं बताते हैं। क्लियर, तो बच्चों के पहले व्यूज देखे जाते हैं कि वो अपियरेंस को किस तरह से जज करते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज उनको कुछ नहीं पता। आई होप दिस लेवल इज क्लियर। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट लेवल वन, That is descriptive level. अब देखिए, descriptive level में क्या होता है कि कोई भी shape है हमारे सामने, clear? कोई भी shape है उसको उसकी properties के through हम थोड़ा थोड़ा judge करने लगते हैं। clear? For example, जैसे teacher ने पूछा कि what is a rectangle, तो बच्चे क्या बोलेंगे, इसमें क्या होती है, दो पेयर ऑफ इट हैव ऑपोजिट पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ये बोल सकते हैं, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, और इसमें क्या होते हैं, फोर राइट एंगल्स, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज बताई है उन्होंने, एक रेक्टेंगल की, डिस्क्रिप्शन जिसमें शेप्स की आने लग जाती है। क्लियर, ये चीज होती है, इसमें क्लासेस बनने लग जाती हैं शेप्स की। और एग्जांपल हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल
अगर पैरलोग्राम हम ले ले, क्लियर, पैरलोग्राम हम बनाए तो टीचर कहते हैं कि मैं एक ऐसी फिगर की आपको डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूं, ठीक है, आपको उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो फिगर देखनी है कि क्या होगी। इट हैज बोथ द ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट दे आर नॉट ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो वो बनाएंगे इस तरह से, दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है, ऑपोजिट इक्वल है, लेकिन इसमें कोई भी एंगल क्या है, 90 डिग्री नहीं है, क्लियर। तो ये शेप बनेगी ना, इसमें ये शेप बन गई। तो अब उन्हें एक्चुअली ये नहीं पता कि इस शेप का नाम क्या है, पैरेललोग्राम, उन्होंने ये शेप क्या है जज कर ली, डिस्क्रिप्टिव लेवल, जहां पे प्रॉपर्टीज के बारे में बात होनी स्टार्ट हो जाती है ऑफ द शेप्स। नाउ नेक्स्ट इज लेवल टू, दैट इज रिलेशनल लेवल। नाउ देखिए, रिलेशनल या फिर एब्स्ट्रैक्ट लेवल में क्या होता है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, बच्चे उनको कैटेगराइज कर पाते हैं। कैटेगराइज मतलब एक दे दिया हमने डोर बना दिया, एक फोन बना दिया, तो उनके शेप्स को देखकर वो कैटेगराइज करेंगे कि ये इन चीजों की प्रॉपर्टीज एक है, ठीक है। एक हमने बैंगल बच्चों को दे दी, एक हमने बॉल दे दी बच्चों को, ठीक है, क्रिकेट की बॉल दे दी या कोई भी ऐसी सर्कुलर चीजें दे दी, तो वो उनको एक कैटेगरी के अंदर डालेंगे, क्लियर। तो कैटेगराइज करने लग जाते हैं किसके बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, उनको प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और आपको हर बुक में ये एग्जाम्पल मिलेगी, दैट इज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन अगर हम बोलें कि रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या रेक्टेंगल कभी स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर हम स्क्वायर में देखें तो एवरी ऑल द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, क्लियर। और एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो स्क्वायर ने सेटिस्फाई कर दी, लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्क्वायर की होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो बच्चे ये डिफ्रेंशिएट करना, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये एस्टेब्लिश करना सीख जाते हैं एट लेवल टू, क्लियर। तो ये दोनों फिगर्स आप पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आया, ये फिगर्स इसी तरह से आप बना के, ये चीज जो मैंने आपको बताई है, ये एक्सप्लेन करके आएंगे बाय गिविंग एग्जांपल, क्लियर। यही चीजें आपको लिखकर आनी है, बनाकर आनी है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। बच्चों को ऐसे लगता है कि पता नहीं है टॉपिक के अंदर हमने क्या लिखना है, बच्चों यही लिखना है। इसके बारे में थोड़ी सी आप बताएंगे कि एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स स्टार्ट मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वेरियस शेप्स, ठीक है, उनको कैटेगराइज करने लगते हैं, देन यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। क्लियर विद दिस लेवल? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट लेवल, लेवल थ्री, दैट इज डिडक्टिव लेवल। डिडक्टिव लेवल, सो देखिए एट द लेवल ऑफ डिडक्शन, इस लेवल पे बच्चे क्या कर सकते हैं, एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रूव थ्योरम्स, ठीक है, फॉर्मली विद इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। जो उनको लॉजिकल स्टेटमेंट्स पता है, जो उन्होंने पढ़ा है, उसके बेसिस पर नंबर वन वो क्या कर सकते हैं, प्रूव थ्योरम्स। सेकेंड, देखिए थ्योरम्स आपने पढ़ी है ना, थ्योरम्स पॉस्टुलेट्स, ये हमने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा है, एक्सियोम्स, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, प्रूव थ्योरम्स। सिर्फ प्रूव नहीं कर सकते, अपने बेसिस पर, अपने नॉलेज के आधार पर प्रूफ की कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं प्रूफ का, क्लियर। नंबर थ्री, वो डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक आपको स्टेटमेंट दी गई है, एक उस स्टेटमेंट को अपोजिट करके लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स।
इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो कर सकते हैं और उनको जज करना आता है एट दिस लेवल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. लाइक वो बता सकते हैं, सॉरी इसमें एक और चीज क्या है कि वो बता सकते हैं रीजन. जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. क्लियर? तो इसमें वो रीजन बता सकते हैं, वो तर्क बता सकते हैं कि ये चीज क्यों है. ठीक है, ये रीजंस वो बता सकते हैं व्हाई ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड व्हाई आर रेक्टेंगल्स नॉट क्लासिफाइड एज अ स्क्वायर. ठीक है, वो चीज ये किस में बता सकते हैं, डिडक्टिव लेवल. क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इस लेवल पर. अब फाइनली जो फाइनल लेवल है जिसमें कंप्लीट वो ज्योमेट्री की नॉलेज जो है लेते हैं. ठीक है, ज्योमेट्री को समझते हैं. अब हम उन शेप्स से बाहर निकलकर हम बात करेंगे रिगर लेवल पे, जहां पे एप्लीकेशन होती है उन सभी कंसेप्ट्स की, थ्योरम्स की, ठीक है, स्टेटमेंट्स की जो बच्चे सीख कर आए हैं ज्योमेट्री में. तो यहां पर क्या है, एप्लीकेशन होती है. और यहां पर हम बात करेंगे कंप्लीट ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट्स होते हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर शेप है उसकी प्रॉपर्टीज है. इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं हमारे जो स्किल्स है वो एप्लीकेशन लेवल तक पहुंच चुके हैं. क्लियर? लेकिन एक चीज और है कि इस लेवल तक स्कूल्स में है वो टीचिंग नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर तो हम बोलते हैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल, हाई लेवल की थिंकिंग हो जाती है, जहां पे प्रूफ्स थ्योरम्स बच्चे खुद से जनरेट करने लगते हैं. क्लियर? वो होते हैं जो हाईली प्रोफेशनल मैथमेटिशियंस होते हैं. ठीक है, उस लेवल तक की बात हो गई है. अब देखिए ये जो हमने लेवल्स डिस्कस किए हैं इनकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, आप लोगों के पास भी होगी बुक में. तो देखिए इसका एक मॉडल होता है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग विद द शेप्स. शेप्स से स्टार्ट होती है. ठीक है, फर्स्ट लेवल इज विजुअलाइजेशन, जहां पे आपको शेप्स के बारे में नॉलेज मिलती है. देन शेप्स की आप क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, शेप्स की क्लासेस बनती हैं. देन इन एनालिसिस क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ शेप के बारे में आपको पता लगता है. क्लियर? देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ शेप. देन इन द सेकेंड इनफॉर्मल डिडक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप अमंग द प्रॉपर्टीज बच्चे क्या है बना पाते हैं. वही चीज कॉमन होती है नेक्स्ट लेवल के लिए. देखिए अब जब भी हम नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट करते हैं, हमारे पास पिछले लेवल की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और वहां से हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन डेवलप करते हैं जो नेक्स्ट लेवल के लिए एक प्रायर इन्फॉर्मेशन का रोल करती है. क्लियर? वही आपको ये जो कॉमन बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है, लाइक क्लासेस, शेप्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप, ये कॉमन क्यों है, क्योंकि ये एक ब्लॉक के लिए तो प्रायर नॉलेज है और दूसरे ब्लॉक के लिए क्या है, ये अपकमिंग नॉलेज है. ठीक है, तो उसके बाद आती है डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फाइनली इज द एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम, जो रिगर लेवल पर हमें अचीव होता है. सो क्लियर इज दिस टॉपिक? बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट हो. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है इसके रिलेटेड. सो देखिए इसकी जो प्रीवियस वीडियोस है आप वो भी चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन पेपर मैं इसका जो है अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं. और आने वाले टॉपिक्स भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे. तो आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब. ठीक है, और इसकी बेल को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वरना आपको नोटिस नहीं आएगा आपके फोन पे अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी. ठीक है, तो आपकी कोई वीडियो मिस हो सकती है, तो बेल ऑन करके रखिए ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके. क्लियर? See you friends in the next video. Till then, keep watching.